बोल क्या कह रही है कि अगर तू कभी रो भी रहा होगा ना तब भी मुझे लगेगा कि तू रो नहीं रहा, तू ड्रामा कर रहा है। ड्रामा कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि तू करता है ना ड्रामा ही। गाइस लड़कों की हंसी और लड़कियों के आंसू पे कभी यकीन मत करना, तेरे पे यकीन नहीं करना। इन शॉर्ट सिनॉप्सिस, मैं लड़कियों का आंसू और लड़कों की हंसी दोनों हूँ। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। हमारा भाई हमारे साथ मनमंश, अभी हम लैला को उठाएंगे और घर जाएंगे विनोद जी को मनाएंगे, क्योंकि आज मेरे को इसके घर पे देखनी है सीरीज। कौन सी है? एक अभी तुम्हें भी बताता हूँ उस सीरीज के बारे में, क्योंकि मैंने तो बहुत चर्चे सुन लिए। अब देखते हैं, फिर तुम्हें अच्छा सा रिव्यू देते हैं, फिर तुम्हें भी बताते हैं कि देखो या नहीं। तो हमारे साथ बने रहो और अभी हमारा व्लॉग देखो, ठीक है? सिंपल सी बात है। सीरीज देखते पहले कौन सी है, मैं भी बताऊंगा, मैं भी देखूं कौन सी सीरीज है। चलो चलते हैं, Amazon Mini TV डाउनलोड कर लो फटाफट। पहले मेरा बदमाशी वाला बना नहीं बना, पूजा करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, बदमाशी भी करता हूँ। अरे एक वो भी तो बनाओ, ये देखो अभी गड्डी वाली। अच्छा कर रहा हूँ, वो जो उसकी थी क्या नाम है, उसको भी मूवी का नाम हो सिद्धा नहीं। अरे कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, काला पानी। अबे नहीं, और सिद्धी जान दे बूटी, वाह चार्ज काट दे धूम, वाह खाने से बहुत हो गए यार। ऑब्सेस्ड क्रजेस सुने ही पहली बार। गाइस एक बात मेरे को क्लियर क्लियर बताओ, ये जो ऐसे लंबे लंबे बाल है ये अच्छे लगते हैं या वो साइड से छोटे और यहाँ से खड़े? बड़े ही अच्छे लग रहे हैं भाई। बड़े उसे फोटो देखिए कोट में कितना सही लग रहा है। कौन? ब्लैक वाले कोट में बाप बना ले। हां बाप बना ले, जीजा बना ले। सो गाइस पहले देख लेते हैं ट्रेलर की है कैसा, ठीक है? उसका लगा यार दिहाती लड़के का ट्रेलर, बड़ा नाम सुना उसका। लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे तब हमारी माता जी हमें तीन कसमें खिलवाई। दूसरी कसम सिगरेट शराब नशा बाजी से दूर रहो। तीन साल हम तुम्हें सिखाएंगे कि जिंदगी जी कैसे जाए। डालीगंज से दीपो तो पक्का सब काली यहाँ इकट्ठा, सिरो से गांव निकोहा सब काली यहाँ इकट्ठा। जब भी तीन लड़के दिखते हैं किसी सीरीज में वो तो तगड़ी हुई है। प्यार के मंचन वाले से लड़कियों को छूना तो तू उनके पास से गुजरी हवा को भी नहीं छू। हाय फला गई स्टाइल में। और ये अम्मा की तीसरी कसम भी, हम भी बचपन से डैडी का ट्रस्ट तोड़ते आए हैं। बेटा ये नहीं कर रहा, तोड़ दिया ट्रस्ट। तुम्हारा यही लक्षण है ना तो आईएएस बनने आए थे, एलियर बन के लोग हो गए। हम नहीं चाहते तुम्हारा आई में हवाई चढ़ाओ, सारी दुनिया के जंगलों में काम याद के लड़के पढ़ना तो क्या घर जाना भी भूल जाते हैं। पढ़ने तो सब आ गए हुजूर, पर सिर्फ किताब ही पढ़ोगे जिंदगी को कौन पढ़ेगा? टीचर हमारी क्यों नहीं बनी कभी? डिग्री भी मिल जाएगी ऐसा तो लेकिन अगर यारी दोस्ती प्यार रोमांस नहीं किया कॉलेज में तो पछताएंगे। नेक्स्ट लेवल हो गए, तीन बंदे हैं भाई यहाँ पे और यहाँ भी तीन बंदे हैं, तीन और बताऊँ इसके लिए देख रहा किसका? टीचर के लिए, मैं तो कॉलेज नहीं गया इसलिए देखा था कॉलेज लाइफ क्यों होती है। चलो आ जाओ के साथ देखना चाहिए नेटवर्क, मैं इनके साथ देख रहा हूँ। एक लड़की भी अपने पास हमारी फॉलोइंग में बहुत बंदे ऐसे हैं जो कॉलेज वॉलेज पढ़ने आए हैं, दिल्ली आए हैं, दिल्ली कहीं और रहते थे, कहीं और से पढ़ रहे हैं, बट हमने ओवली लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी, तो ये वाली सीरीज में ओवली लाइफ दिखाई है तो देखते हैं थोड़ा। मैं 12वीं फेल हो गया था, मैं क्या देखता कॉलेज। तू लगा भाई कभी पापा के गले? क्या पापा के गले लगे? हाँ लगा बहुत बारी। तू लगा लगा कभी? तू तो रोज ही लगता है। कैसा लगता है? सही लगता, अच्छा लगता है, वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग। पर बहुत लड़के लग नहीं पाते शर्म के मारे। शर्म के नहीं, बहुत लड़के डैडी से ज्यादा बात नहीं करते, वो नहीं करते वैसे। जैसे इस सीरीज में दिखा रहा है कि अपने पापा से कितना डर रहा है। हां हमारे पापा तो फ्रैंक है। मेरे भी तेरे एक ही बिजनेस मेरे फ्रैंक है। फ्रैंक है बोल दो चिकन खा तो। अबे भाई क्या करता है तू, ये देखियो इसको कहा बनाना शेक पिला दे, कहाँ पिला दिया। अबे तू जो बनाना शेक निकाल दे, जो बनाना शेक सीरीज में इतने मगन हो गए इतना बाल कभी निकले
सो गाइस सीरीज तो देख ली और सीरीज वही है कि मतलब गांव से उठ के बंदे जाते हैं कॉलेज वॉलेज और वहां पे जो लाइफ होती है मतलब बिल्कुल एक पूरी चेंज हो जाती है और हर बंदे की लाइफ में आता है। बाकी कॉलेज का पहला दिन सबको याद रहता है, जैसे आओगे एकदम ड्रास्टिक चेंज वगैरह देखोगे, यहाँ तो बहुत ओपन मोल है, ये है वो है, और मजा आया सीरीज देखने। और सीरीज में एक चीज बढ़िया होती है कि लास्ट में ऐसा रखते हैं कि दूसरा एपिसोड चलाना ही पड़ता है और तुम बोर नहीं होगे बिल्कुल, तो फटाफट इस सीरीज को जाके देख लो। बाकी लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तू क्या कॉलेज? नहीं मैं नहीं गया, बट इसको देख के मुझे लग रहा जाना भी नहीं चाहिए। निकल जाता बंदा भाई। तू क्या? पर भाई एक ही लाइफ है बंदे, ये बहुत मिस करते हैं। स्कूल भी नहीं गया। तू क्या स्कूल? रिपोर्ट का ना ऐसी पढ़ता था साइंस एडिंग। अपनी स्कूल का एक दिन बता जो तेरे को याद हो सबसे तगड़ा दिन। चाटे खाता था, मम्मी को बुलाया था इसने, मम्मी ने स्कूल बुला दिया। तू पर्सनल जा रहे वो छोड़। वैसे वैसे एक दिन जब मैं 99.9% आई थी। अब सही बता, झूठ फिर झूठ साले, पूरे स्कूल लाइफ की मिला के नहीं कह रहा। तब भी नहीं बनेगी इतनी। कोई बता, याद कर रहा हूँ तुझसे पूछ रहे तो बता। स्कूल ही नहीं, मैंने एक बदमाश था मेरे से बहुत बड़ा, मतलब पूरे जिसके स्कूल में था उसको भटा कर रख के चपेट दिया था और भागते हुए गया था प्रिंसिपल रूम में। फिर उसने तेरे को बाहर नहीं पकड़ा? वो अलग बात है, वो बात ही बात है। मुझे याद ही नहीं आ रहा मेरी स्कूल लाइफ का। मैं अपना कॉलेज का पहला दिन बताता हूँ। कॉलेज भी गया था? कॉलेज गया था, बट उससे पहले मैं IITM गया था और उसमें क्या हुआ था, हाँ बड़ी बड़ी मुश्किल से मेरी रैंक वगैरह आई थी और क्या कहते हैं एडमिशन हो गया था। तो मैं कॉलेज गया भाई, मैं खानदान का दूसरा लड़का जो कॉलेज जा रहा है, पहला मेरा भाई डी हो गया, उसके बाद मैं कॉलेज गया। तो ही दो खानदान का, पूरे खानदान का। तो मैं गया फिर वहां पे, क्या कहते हैं पहले दिन मैं गया कॉलेज, भाई दिल में सपने देख के कॉलेज जाके ऐसे होता है, कॉलेज जाके वैसे होता है। कॉलेज पहुंचे, मार पड़ी मेरे दिल, मार नहीं पड़ी, मैं कॉलेज के अंदर घुसा भाई, कॉलेज घुसते ही खत्म IITM, बिल्डिंग बनी हुई है। IITM का मतलब कॉलेज का नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नहीं ये बता रहा, मैनेजमेंट। जिसे फोटो देगी जिंदगी में। हाँ तो ऐसे ही कॉलेज था और वहां मैं गया। मैं वहां से पहले दिन बड़े खुश हो गया कॉलेज गया, घर वाले ने फीस भरी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि घर वाले तुम्हें पता पढ़ाने में लगे रहते कि लड़का कुछ कर जाए, फीस भरी। उसके बाद तुम्हारा भाई कॉलेज गया और उसके बाद क्या कहते हैं पहले दिन में सबसे सीधा द्वारका गया, फीस रिफंड की एप्लीकेशन डाली, एक साल घर पे बैठा, बस बॉडी बनाई कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई विप्स गया और विप्स में भी एक साल गया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो मेरी कॉलेज लाइफ पूरी ऐसे निकल गई। और स्कूल का सबसे बढ़िया दिन था मेरा जब मैं क्या कहते हैं सेवंथ क्लास में था और क्या कहते हैं मेरे को स्कूल चेंज करना था, मेरा एडमिशन हो नहीं रहा था। फिर सेवंथ क्लास में मैं एक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे दोबारा आके मैंने कहा चलो यहीं पढ़ते हैं, और वहाँ पे एक लड़की थी बहुत सुंदर, उस लड़की को मैंने प्रपोज कर दिया था सेवंथ क्लास में, उसने मेरे को हाँ बोल दिया। मैंने कहा मेरी दो तीन साल अच्छे जाएंगे जब तक मैं स्कूल में हूँ, पर उसी समय मम्मी आ गई, कह रही तेरा स्कूल में एडमिशन हो गया, यहाँ पे छोड़ दे, और वो मेरी लव स्टोरी वहीं एंड होगी। तो उस लड़की का नाम ट्विंकल था, अगर वो आज तक मेरे साथ होती तो हम कहाँ के कहाँ होते। बाकी बातें छोड़ो, सीरीज देखो जाके, मजा आ जाएगा सीरीज देख के, और मन कर रहा है कि जैसे दोबारा कॉलेज चले जाओ, ठीक है। और सीरीज के करेक्टर भी इतने वो है ना, मतलब जैसे गांव से आगे बिगड़ रहे, पूरा ऐसे तुम्हें जर्नी लगेगी, तुम खुद उसमें अंदर घुसे हुए हो। मतलब ये है कि वो गांव से बंदा आया जिसको फ्रीडम नहीं मिल पा रही, उसके मम्मी पापा ने रोक रखी है, उसमें अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। हाँ। प्रॉपर वो दुनिया देख रहा है, वो प्रॉपर पूरी। हाँ मतलब मजा आएगा तुम्हें देख के, तेरे को आया मजा? मुझे तो बहुत मजा आया, मजा पहले नंबर पे। मतलब ये उन बंदों को बहुत प्यारी लगेगी जो बंदे गांव से या फिर मतलब मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, जो फ्रीडम नहीं मिल पा रही। जैसे हमारे पापा तो, जैसे हमारे मम्मी पापा तो वो है क्या कहते हैं, रिक्शे वाले, रिक्शा नहीं मतलब वो है यार, फ्रैंक है। हाँ, वो कर लेते थे एंजॉय, बट बहुत लोग मेरी वीडियोस देख के लिए कहते हैं भाई विनोद जी के साथ वैसे फ्रैंक कैसे हो। हाँ। तो मैं सबको कहूंगा कि तो मैं सबको कहूंगा अपने घर वालों से दोस्ती वाला रिश्ता डालो, ठीक है। और बाकी बढ़िया मजा आया, एंजॉय करा। अब चलते हैं नीचे कुछ खाने पीने चले, चलो। बाकी एक सपना जो हम तीनों का तो सपना ही रह गया, बट सीरीज में पूरा हुआ, टीचर से कुछ सीन बनाने का, सुंदर टीचर मिलने। क्या रही ग्रामर ठीक हो रही है, ये क्या है इसके फोन में गाइस, पानी चला गया था, वो निकाल रहे हैं जैसे कि भांग भोसड़ में। दिल्ली ऑन टॉप, रात के 3:30 बज रहे और हम आ गए भूखो, अब कुछ खाएंगे पिएंगे भाई। मैं ना कभी, मैं ना कभी एंटर नहीं, कैसे होगी रात को एंटर दिखा दे चप्पल मैं, पर एंटर जैसे चाटा बड़ी बगा रहे। ओए ना चाटा ले लगो, कोई मार सकता है कोई? ना मैं कभी गया बॉम्बे, ना मैं कभी गया बैंगलोर, मुझे लगता है दिल्ली लाइफ से बड़ी कोई लाइफ ही नहीं होगी भाई। ये तो फैक्ट है, लखनऊ भी बढ़िया है, व्लॉग में दिखी है उसमें सीरीज। डैडी
अब जा रहा हूँ मैं पार्टी करने और रात को आऊंगा लेट, तो तुम सो जाओ आराम से। या नहीं भाई, इस टाइम क्या करने जा रहा है? अब रात को ही पार्टी होती है दिल्ली में, पता लैला। तो मेरा दिल कैसे लगेगा? तुम्हारा दिल कैसे लगेगा? सो जाओ। अबे नहीं नहीं, अबे कल हमने सो नहीं सकता भाई, कल हमने वो देखी थी दियाते लड़के सीरीज, दियाती लड़के, हाँ कल दियाती लड़के सीरीज देखी थी, वो देख लो। अरे मैं कह रहा हूँ एक नंबर है भाई, मेरे को लगानी नहीं आती, कैसे लगेगी? अरे ये फोन पड़ा तुम्हारे पास, ये टीवी में अमेजन मिनी टीवी खोला, ओपन किया, यही पे टॉप पे आ गए दियाती लड़के, इस पे क्लिक करो और फ्री में देखो, लो बस हो गया तुम्हारा टाइम पास। तो भाई इनको भी बोल दे, तो भाई तुम भी देख लो, इनको तो मैं पहले से ही बोल चुका हूँ, और तुम भी देख लो, तुम्हारे लिए भी एक टास्क है कि उसमें ये ढूंढो कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में बताया था कि ट्विंकल थी एक, तो तुमने इस सीरीज में देखना है कि ट्विंकल कौन है, ठीक है? तो इनको ढूंढने का क्या फायदा, क्या फायदा कराए बताओ, तू क्या फायदा कराएगा? मैं दूंगा फायदा, जो भी इसकी ट्विंकल को ढूंढेगा उसको 6 वाउचर 5,000 के मेरी तरफ से ऑस्ट्रक के मिलेंगे। तो ओके डन है, जो ट्विंकल को ढूंढ के मेरे को इंस्टा पे स्टोरी में मेंशन करेगा, पहले आपने मिनी टीवी डाउनलोड करना है, मेरे को टैग करना है, और दूसरा ट्विंकल को ढूंढना है। तो ये दो चीजें करोगे, 6 बंदों को मैं 5,000 के वाउचर दूंगा। नहीं मैं, हाँ आप दोगे, मैं दूंगा, ठीक है? ओके बाय, अब बाय कर दो इनको, बाय, जाओ आप भी सीरीज देखो, मैं भी देखो और पार्टी करें। हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी।